3 अप्रैल 1984 को इंडिया सोवियत यूनियन के साथ एक जॉइंट इंटर कॉस्मोस स्पेस प्रोग्राम लॉन्च करता है। इस मिशन के अंडर इंडिया और रशिया के 3 कॉस्मोनॉट्स को स्पेस में भेजा जाता है, जिसमें भारत के राकेश शर्मा, शिप कमांडर यूरी मेलेशेव और फ्लाइट इंजीनियर ग्रेनाडी स्टेकलोस थे। इनका मिशन था स्पेस में टोटल 43 एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करना, जिसमें राकेश शर्मा जी को बायोमेडिसिन और रिमोट सेंसिंग के एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने थे, जिसके लिए वो पूरे 7 दिन 21 घंटे और 40 मिनट स्पेस में थे। और इसी मिशन के साथ इंडिया के द देन स्क्वाड्रन लीडर राकेश शर्मा स्पेस में जाने वाले पहले भारतीय इंसान बन गए। स्क्वाड्रन लीडर राकेश शर्मा, सारे राष्ट्र का ध्यान आपके तरफ है, ऊपर से भारत कैसा दिखता है आपको? दोस्तों, इसी मिशन में हमने सोच लिया था कि हमें भी हमारे कॉस्मोनॉट्स इंडिपेंडेंटली स्पेस में भेजने हैं, और तभी नींव रखी गई इंडिया के सबसे बड़े मिशन गगनयान की। तो दोस्तों, गगनयान मिशन की प्राइमरी स्टडी और टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट 2006 को ही शुरू कर दी गई थी, जिसे ऑर्बिटल व्हीकल डेवलपमेंट प्रोग्राम कहा गया, जिसमें इसरो एक सिंपल कैप्सूल डिजाइन करने वाला था जो 2 एस्ट्रोनॉट्स को लेकर लगभग 1 हफ्ते तक स्पेस में रह सके, और बाद में हम स्पेसक्राफ्ट की पैराशूट के जरिए पानी में स्प्लैश डाउन लैंडिंग करने वाले थे। अब दोस्तों, पूरे गगनयान मिशन की डिजाइन फाइनल करके अप्रूवल और फंडिंग के लिए 2008 को ही गवर्नमेंट को सबमिट कर दी गई थी, और उसे अप्रूवल भी मिला, और यह भी तय हुआ था कि फर्स्ट अनक्रूड मिशन 2013 को ही लॉन्च किया जाएगा। लेकिन दोस्तों, 2012 में फंडिंग प्रॉब्लम की वजह से पूरा प्रोजेक्ट एक सीरियस डाउट में चला गया, क्योंकि गवर्नमेंट से इसरो को रिक्वायर्ड फंडिंग ही नहीं मिल रही थी। और अगर 2013 में तो यह अनाउंस कर दिया गया था कि इस प्रोजेक्ट को इसरो के प्रायोरिटी लिस्ट से ही हटाया गया है, यानी वैसे कहा जाए तो यह प्रोजेक्ट पूरी तरह बंद होने के कगार पर था। लेकिन 2018 के इंडिपेंडेंट डे स्पीच ने इस पूरे मिशन में फिर से जान डाल दी। अब हम मानव सहित गगनयान लेकर के चलेंगे, और ये गगनयान जब अंतरिक्ष में जाएगा, हिंदुस्तान ही लेकर के जाएगा। हिंदुस्तान के वैज्ञानिकों के द्वारा हुआ, हिंदुस्तान के पुरुषार्थ के द्वारा हुआ होगा, तब विश्व के अंदर हम चौथे देश बन जाएंगे जो मानव को अंतरिक्ष में पहुंचाने वाले बन जाएंगे। फाइनली गगनयान मिशन के अंडर हमारे 3 कॉस्मोनॉट्स नियर अबाउट 3 से 4 दिनों के लिए 400 किलोमीटर ऊपर स्पेस में जाने वाले हैं। लेकिन दोस्तों, क्रू मेंबर्स के साथ फाइनल मिशन लॉन्च करना ये बिल्कुल भी आसान नहीं है। ये मिशन लॉन्च करने से पहले इसमें लगने वाले सभी कंपोनेंट्स और इक्विपमेंट्स की बारीकी से टेस्टिंग करना बहुत जरूरी है, इसीलिए सभी कंपोनेंट्स को 1 by 1 इंडिपेंडेंटली टेस्ट किया जाता है, जिसमें री एंट्री टेस्ट, पैड अबॉर्ट टेस्ट, फ्यूल इंजन फायर टेस्ट, ड्रैग पैराशूट डिप्लॉयमेंट टेस्ट, ऐसे टोटल 18 से ज्यादा टेस्ट कंडक्ट किए जाते हैं, जिसमें से कुछ सक्सेसफुली कंडक्ट किए गए हैं और कुछ को प्लान किया गया है जो होपफुली सक्सेसफुल हो जाएंगे। अब प्लान के अकॉर्डिंग अगर सभी टेस्ट सक्सेसफुल होते हैं तो मोस्ट प्रोबेबली 2024 के लास्ट में हम सक्सेसफुली इंडियन क्रू मेंबर्स को स्पेस में भेजने में सफल होंगे, जो हम इंडियंस के लिए बहुत ही गर्व की बात है। अब दोस्तों, सबसे बड़ा सवाल यहाँ पे ये उठता है कि क्रू मेंबर स्पेस में जाने के बाद वहां पे आखिर क्या करेंगे? तो रॉकेट लॉन्च होने के बाद सिर्फ 16 मिनट के अंदर वो अर्थ के ऑर्बिट में होंगे, जो हर 19 मिनट में अर्थ का पूरा चक्कर लगाएंगे। अब इसरो ने स्पेस मिशन के दौरान उनके लिए 6 टेस्ट शॉर्टलिस्ट की है, जो मिशन के दौरान वो परफॉर्म करने वाले हैं, जिसमें फ्रूट फ्लाइज पर बायोलॉजिकल टेस्ट, माइक्रोबियल कंटेमिनेशन और को क्रिस्टलाइजेशन जैसे कई एक्सपेरिमेंट माइक्रोग्रेविटी में परफॉर्म किए जाएंगे। अब पूरे 3 से 4 दिनों के बाद ये पूरे एक्सपेरिमेंट कंप्लीट करके वो अर्थ पर नीचे आने के लिए एटमॉस्फेयर में एंटर होंगे, जिसमें उन्हें रिटर्न जर्नी के लिए पूरे 36 घंटे लगेंगे, जो गुजरात कोस्ट के पास अरेबियन सी में लैंड करेंगे। दोस्तों, ये पूरा गगनयान मिशन इंडिया के लिए एक बहुत बड़ा माइलस्टोन साबित होगा, जिसके हमारे लिए फ्यूचर में इकोनॉमिक ग्रोथ, टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस और इंटरनेशनल स्टैंडिंग के अलावा कई ज्यादा बेनिफिट्स है। हाँ, हमें पता है कि इस मिशन के सक्सेस के लिए हमें कई चैलेंजेस फेस करने होंगे, लेकिन स्ट्रेटेजिक प्लानिंग और प्रॉपर एग्जीक्यूशन के साथ हम डेफिनेटली उन्हें क्रॉस कर सकते हैं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम यही रुकते हैं। इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियोज देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ अगले वीडियो में।